इस टॉपिक के अंदर हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं कि जहाँ पे हम एग्जैक्टली जो जिस फाइल को हमने कैड 3D में लेकर आए थे उसी फाइल को विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ अदर चेंजेस, कोई चेंज नहीं करेंगे, जो बाउंड्रीज हमने बनाई थी वो 3ds मैक्स के अंदर लेकर आएँ, इंपोर्ट करें, क्योंकि इंपोर्ट ही किया जाएगा आपको, ये पहले हमने कॉन्सेप्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का देखा है, और फिर हम एक्सट्रूड करना सीखेंगे कि जब वो फाइल हमारे पास आ जाएगी तो अगर हमने उस फाइल को एक्सट्रूड मीन्स खड़ा करना हो दीवारों को, जिस तरह हमने 3ds कैड 3D में भी किया है, वो कैसे करते हैं। सो सेम बाउंड्रीज बना के ले आएंगे, जिस चीज़ की बाउंड्रीज नहीं होंगी वो चीज़ यहाँ पे एक्सट्रूड नहीं होगी। सो वही जो है डोर विंडोज़ को हम वहाँ से रिमूव कर देंगे, टेक्स्ट को रिमूव कर देंगे, बाउंड्रीज बना के फाइल को ले आएंगे। अच्छा, ये एक मेथड है। सेकंड, जब आप थोड़ा सा एक्सपर्टीज़ आपकी आती जाएंगी तो फिर आप डायरेक्ट जो है वो यहीं पर भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमारे पास एक कैड फाइल मौजूद हो। अगर आपकी एक्सपर्टीज़ डिवेल्प हो चुकी हैं तो आप डायरेक्टली वर्क कर सकते हैं, वॉल्स खड़ी कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं 3ds मैक्स की तरफ ताकि हम फॉर्मली जो है इंपोर्ट और एक्सट्रूड करना सीखें। ये हमारे पास 3D मैक्स के नाम मैंने वह फाइल सेव कर ली है। ये सेम वही फाइल है, वही बाउंड्रीज हमने बनाई हैं, इस फाइल को चेंज नहीं किया जो हम कैड 3D में लेके गए थे। तो आपने दोबारा अगर उस टॉपिक में वापस चले जाएँ, उस टॉपिक नंबर में, तो आप देख सकते हैं कि हमने जस्ट इसकी बाउंड्रीज बना ली थी। तो क्योंकि ये कैड फाइल को हम इम्पोर्ट करने जा रहे हैं 3ds मैक्स, और फिलहाल हम ये वाली वॉल रख रहे हैं, ये वाली वॉल आगे जाके हम इसको रिमूव करके भी देखेंगे, क्योंकि अगर जब हमें विंडोज़ यहाँ डायरेक्ट लगानी होगी तो इस वॉल को हम रिमूव कर लेंगे ताकि ये आसानी से हम लगा सकें। फिलहाल हम इस वॉल को भी साथ रखेंगे, और अगेन कोई चेंज आपने फर्दर नहीं करनी। टेक्स्ट रिमूव कर दिया है, डोर विंडोज़ रिमूव कर दी हैं, और हमने सिंपली जो है इस एक बाउंड्री बना के इस फाइल को यहाँ रखा। अब हम आ जाते हैं 3D के अंदर। ये हमारे पास हमारा 3D का जो है वो ऑलरेडी जिसमें हम वर्क कर रहे थे व्यू पोर्ट्स मौजूद हैं, और हम किसी भी व्यू के अंदर यहाँ पे हम Alt W प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि Alt W प्रेस करेंगे तो हम उस व्यू के अंदर आ जाएंगे, सिंपल एक सिंगल व्यू में देख सकते हैं। यहाँ पे अब हमने करनी है फाइल इंपोर्ट। सो इंपोर्ट करने के लिए ये टॉप, अगर आप नोट करें दिस वन, यहाँ पे मेरा कर्सर मौजूद है। सो ये 3ds Max 16 का जो आइकन है, इसके ऊपर आपने करनी है ये ड्रॉप डाउन दिस एरो, यहाँ पे करेंगे आप क्लिक, और ये जो लेटेस्ट अगर आप वर्जन में काम कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप फाइल की ऑप्शन जो मौजूद थी उसके अंदर ये वाले ऑप्शन नज़र आएंगे। बट यहाँ पे इस वर्जन में अगर आप काम कर रहे हैं या इससे पहले वाले में, तो यहाँ पे ये टॉप में आप जैसे क्लिक करते हैं, सो यू कैन सी यहाँ पे न्यू, रीसेट, ओपन, सेव, यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है इम्पोर्ट की। तो यहाँ से हम कर लेते हैं इम्पोर्ट। जैसे हम इम्पोर्ट पर क्लिक करते हैं वो आपको ऑप्शन देगा कि आपने कौन सी चीज़ इम्पोर्ट करनी है। सो ये मेरे पास ये फाइल मौजूद है जो भी हम जिस पे काम कर रहे थे 3D Max के नाम से, इसको हम ओपन कर लेते हैं। जैसे हम ओपन करेंगे एक आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इल बी आस्किंग मैनी थिंग, काफ़ी सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, आपने इनमें से कोई किसी चीज़ को नहीं छेड़ना या चेंज करना है। हम ओके का बटन प्रेस करेंगे, ये इंक्लूड पूछ रहा है कि आप क्या क्या इंक्लूड करना चाह रहे हैं, और फिलहाल हम एक्सटर्नल रेफरेंसेज की बात कर रहे हैं, ओके करें। और जैसे आप ओके करते हैं तो ये हमारे पास हमारी जो फाइल है जो कैड में मौजूद थी वो ड्राइंग हमारे पास आ चुकी है। आप नोट करें ये हमारी ड्राइंग थी जिसके अंदर हमने डोर और विंडोज़ को रिमूव किया था। यहाँ से अगर आप चाहें तो आप इसको मल्टीपल व्यूज़ में भी देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल टॉप है, ये फ्रंट साइड है, ये आपकी लेफ्ट है, और अगेन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम वापस, तो ये हमारे पास फाइल मौजूद है। अब हम जा रहे हैं एक्सट्रूड करने। सो एक्सट्रूड करने से पहले अभी ये लाइन्स हैं, इन लाइन्स को हमने पॉलीगॉन बनाना है, क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक्सट्रूड मींस जब आपने किसी चीज़ को सरफेस से खड़ा करना है इन जी डायरेक्शन, तो वो दैट मस्ट बी अ क्लोज्ड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम इसको पॉलीगॉन बनाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है दैट इज़ एडिटेबल पॉली। सबसे पहले हम अपनी फाइल को कन्वर्ट करेंगे इन एडिटेबल पॉली। किसी भी चीज़ को जब आपने एक्सट्रूड करना है इन 3ds मैक्स, उससे पहले आपने उसकी एडिटेबल पॉली लाजमी बनानी है। ये आप एक थंब रूल के तौर पर अपने जहन नशीन कर लें ये बात। सो हम इसको एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करेंगे, और एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। दो ऑप्शन हैं, आप कैड की तरह यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप कंट्रोल ए भी कर सकते हैं और डब्ल्यू प्रेस कर दें आप, तो ये एक्सेस जो हैं, हम जिस तरह ऑलरेडी बात कर रहे थे, ये एक्सेस आपके जो हैं वो
विजिबल हो जाएंगे, और अगर आप ये सिलेक्शन टूल पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा यहाँ से ऑफ हो जाएंगे। सो डब्ल्यू भी प्रेस कर दें, ये आप हमारे सिलेक्टेड डब्ल्यू प्रेस करने से फ़ायदा क्या है कि आप इसको इस ड्राइंग को मूव कर सकते हैं इन एनी डायरेक्शन। सो ये हमारे पास मौजूद है फाइल, अब ये हमने इसको कर लिया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे हम, राइट क्लिक करके हम इसको करेंगे कन्वर्ट टू एडिटेबल पोली। जैसे ही आप एडिटेबल पोली में कन्वर्ट करते हैं, आप नोट करें तो ये सॉलिड लाइंस बन चुकी हैं, ये वो लाइंस नहीं रही, अब ये आपके सामने ये पोलीगॉन्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं। आप नोट करें तो ये इस टाइम बिल्कुल जो है वो डार्किश कलर आपको नज़र आ रहा है। अब आप किसी भी इस पर क्लिक करें, से मैं किसी भी जगह पे क्लिक करता हूँ, क्या किया मैंने एडिटेबल पोली क्लिक करने के बाद किसी भी जगह पे आप क्लिक करें तो ये ऑप्शंस मौजूद हैं जो आपके सामने एलिमेंट की है, पॉलीगॉन की है, बॉर्डर है, एज है, वर्टिक्स हैं। तो हम पॉलीगॉन क्योंकि हैं तो पॉलीगॉन पे क्लिक करते हैं। अब पॉलीगॉन पे क्लिक करने के बाद किसी भी पॉलीगॉन पे आप क्लिक करें, आपने जैसे क्लिक की वो जितनी पॉलीगॉन बनी हुई थी वो सिलेक्ट हो गई, और कंट्रोल ए तो ये सारी जो है वो पूरी की पूरी हमारी जितनी पॉलीगॉन्स हैं सेलेक्ट हो गई हैं। अब हम यहीं पे अगर आप नीचे देखें तो ये एक्सट्रूड की ऑप्शन मौजूद है, हमने इसको करना है एक्सट्रूड। जैसे हम एक्सट्रूड पे क्लिक करते हैं ये हमारे सामने जो है वो ऑप्शंस मौजूद हैं, ये वो हमसे हाइट जो है वो यहाँ पे पूछ रहा है। सो एक चीज़ का जो है यू नीड टू टेक केयर इन 3ds Max, दैट इज़ कि जब भी आपने कोई डिजिट्स लिखने हैं वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट 3ds Max जो है वो इंच में कंसिडर करता है। सो अगर आपने फीट लिखना है तो फिर आपने फीट का सिंबल साथ लाजमी देना है। अगर आप सिंबल नहीं देंगे फीट का वही सिंबल जिस तरह हम 3D में देते आए हैं, जिस तरह हम CAD में देते आए हैं, अगर वो हम सिंबल नहीं देंगे तो वो उसको इंच कंसीडर करेगा, और अगर हम फीट लिखेंगे तो वो उसको भी इंच में ही कंसीडर खुद ब खुद कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल से आपने अभी हम हाइट देने लगे हैं तो हम कहते हैं ये 10 feet हाइट है, तो आप देखेंगे तो वो 120 बना देगा उसको खुद ब खुद, वो उसको मल्टीप्लाइड बाय 12 inches कर देगा। सो ये हमारे पास यहाँ पे मैं इसको हाइट दे देता हूँ, अभी ये 10 inches है, सो लेट्स मेक इट 10 feet। आप 10 feet पे क्लिक करें, और आप ये क्लिक करने के बाद अभी ये एक्सट्रूड हो चुका है, लेकिन अगर आप ये क्रॉस कर देंगे तो ये एक्सट्रूड नहीं होगा, प्लस में कुछ और आप जमा करें, अप्लाई एंड कंटिन्यू करें, तो हम यहाँ पे फिलहाल जो है ये वाली ऑप्शन जो है ओके, क्योंकि ओके है हम यही चाह रहे हैं, आप ओके करेंगे। सो ये आप नोट करें तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये एक्सट्रूड हो चुका है, ये बिल्कुल इस टाइम आप नोट करें तो ये दीवारें बन चुकी हैं। अभी हमने इसको कोई मटीरियल नहीं दिया, कोई कलर नहीं दिया। इसके पैरेलल जो है हम लास्ट कमांड इस टॉपिक की कर लेते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे। जैसे ये ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड होगा, एक्सट्रूड मींस ये वॉल्स, आप नोट करें तो स्ट्रक्चर जो है ये CAD में भी खड़ा होगा, और अब इसमें सर्टेन एडवांटेजेस हैं, और ये हमारे पास ऑप्शन है। अब नोट करें तो ये सिलेक्शन टूल है, लेकिन किसी एक एलिमेंट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो ये एक्सेस ऑन है, तो ये उस एलिमेंट से उसको ड्रैग कर रहे हैं। हम कंट्रोल सी करके वापस आते हैं, W करके इसको, या सिलेक्शन टूल में से इसको ऑफ कर भी कर सकते हैं। और अब हम यहीं पे जहाँ पे क्रिएट का बटन मौजूद था, यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल क्रिएट में आएँ और क्रिएट से ज्योमेट्री में हम आएँ, ज्योमेट्री में हमने और हम स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में आ जाते हैं, तो हमारे पास प्लेन की ऑप्शन मौजूद है। अभी आप नोट करें तो ये हमारा जो है वो हाउस ड्रा तो हो चुका है ना, तो इसको हमने अभी कोई मटीरियल अप्लाई किया है, और ऐसे लग रहा है जैसे ये बिल्कुल किसी हवा के अंदर मौजूद है, तो हम कोई प्लेन ड्रा कर लेते हैं ताकि नीचे ग्राउंड भी हमारी बन जाए। सो प्लेन ड्रा करने के लिए सेम जहाँ से हमने पहले ऑब्जेक्ट ड्रा किए थे, प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, और ये देखें हमने प्लेन को जो है ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से वी कैन चेंज द कलर ऑफ दैट प्लेन, और हमने इसको ड्रॉ करने के बाद सिलेक्शन, हमेशा जब भी हमने किसी कमांड को इनएक्टिव करना होगा सो हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे, हम प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये प्लेन सिलेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे अगर हम इसके मॉडिफाई में आ जाएँ तो ये ऑप्शन मौजूद हैं, ये हमारे पास हाउस है और ये प्लेन है। अब क्या होगा, हम जब आगे मूव करेंगे और मटीरियल्स अप्लाई करेंगे, अब नोट करें तो इसके नीचे स्ट्रक्चर मौजूद है, और प्लेन में आप नोट करें सो जी एक्सिस जो है हम W प्रेस करके ऑन कर लें अगर इसे, तो जी एक्सिस जो है ऑलरेडी जीरो है। जब भी हमने एक्स वाई और जी को यहाँ से चेंज करना होगा तो एक्सिस मस्ट बी ऑन। अभी ये ऑफ हैं तो आप नोट करें तो ये हाइड हो गए हैं। अब हम इसको ऑन कर लें अगर दोबारा W प्रेस करें तो अब एक्सिस आप नोट करें तो जी एक्सिस जीरो, इसका मतलब एलिवेशन जीरो है। और हमारा जो हाउस हमने बनाया हुआ है उसको भी हम चेक कर लेते हैं, उसकी भी अगर हम जी को फॉर एग्जाम्पल ज़ीरो कर लें तो अब आप नोट करें तो क्या हुआ है, बिल्कुल फिक्स हो चुका है हमारा जो घर है, जो हमने अभी फ़िलहाल इसकी वॉल्स खड़ी की हैं वो बिल्कुल प्लेन नीचे जो हमने ड्रॉ किया उसके साथ क्या किया हमने, उस पर क्लिक किया है, एक्सेस ऑन रखे हैं, अगर ऑन नहीं है तो W प्रेस करें, और यहाँ से एलिवेशन को ज़ीरो कर दिया है। फिर हमने अपने हाउस को सिलेक्ट किया है, उसकी एलिवेशन को भी ज़ीरो कर दिया है। सो नेक्स्ट टॉपिक्स में हम आगे मूव करते हैं और फर्दर जो चीज़ें हैं वो डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर हमने अपनी फाइल को इंपोर्ट करना सीखा, और उस फाइल के अंदर हमने थोड़ा सा वर्क भी किया है, हमने उसे एक्सट्रूड किया है, प्लेन लगाना सीखा है,
और आपने देखा कि कितना क्विकली जो है ये 3D ये स्मैक्स वर्क कर रहा है, बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो ये और इंटरेस्टिंग बनता जाएगा जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे।